क्यूट सा गाना है, नोक झोंक जैसे कपल में होती है, यू नो, हर गाना एक अलग ट्यून लेके आता है। मेरा जो कैरेक्टर है वो है एक बड़े केयरलेस बॉयफ्रेंड, बताओ सना बेटर बताएंगे इस बारे में। विभास एंड सना, वेलकम टू टेलीचस्ट का, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नया सॉन्ग आने वाला है उसके लिए। सो पहले तो ये बताए कि किस तरह का सॉन्ग होने वाला है, क्या नया हमें देखने मिलने वाला है। तो जो गाना है चार लावा, बस अभी आ चुका है थोड़ी देर पहले, YouTube पे आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और सना मेरे साथ फीचर हुई है गाने में, एंड बहुत ही प्यारा रोमांटिक क्यूट सा गाना है, नोक झोंक जैसे कपल में होती है, यू नो, That kind of lovely, you know, did in bit song. और म्यूजिक किया है अरिजीत ने एंड जस्ट पनू ने लिखा है, और रूट्स म्यूजिक के चैनल पे रिलीज हुआ है। जी ओके। आजकल कई सारे यू नो म्यूजिक एल्बम आ रहे हैं, तो ये सॉन्ग उससे कितना अलग है और क्या नए यू नो वैरायटी हमें देखने मिलने वाली है? एक्चुअली क्या होता है कि अलग इन द सेंस, यू नो, हर गाना एक अलग ट्यून लेके आता है। ओके और कहीं ना कहीं होता क्या है कि यही सात सुर हैं, राइट? ऐसे ही हमारा गानों का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे फिल्में बनती आ रही हैं सालों से, यू नो, दशकों से बनती आ रही है फिल्में, फिल्में ही रहेंगी, बस उसमें कुछ कुछ नया आता जाता है और उसकी स्टोरी अलग होती है। ऐसे ही हमारे गाने के लिरिक्स बड़े फ्रेश हैं, और चार लावा टाइटल बहुत प्यारा है, चार फेरे इसको बोलते हैं, जो जैसे यू नो हिंदू में सेवन फेरे होते हैं, सात फेरे, तो ऐसे सिक्स में देर आर चार लावास। सो एक कॉन्सेप्ट तो कॉमन है, चार लावा एक आम बात है, राइट? बट उसे गाने में किस तरह से लड़की ने, यू नो, वो गा रहे हैं, तो दैट इज द यूएसपी, दैट इज द डिफरेंस। एंड अलग ट्यून है, बहुत ही मेलोडियस म्यूजिक है, सोलफुल है, आपके कानों को सुनने में अच्छा लगेगा, इट्स वेरी रिलैक्सिंग, एंड मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। okay. सनम, व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट? आपको कितना मजा आया इस म्यूजिक वीडियो में काम करके, एंड आपने कितना एंजॉय किया है? मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि विभास जी थे तो और अच्छा लगा, और हमारे पूरे टीम थे, तो मतलब हमने पहले भी सॉन्ग वगैरह किया है तो, और हमारी अच्छी बाउंडिंग है, तो बस अच्छा लगा, मजा आया। ओके आप दोनों की यू नो कैरेक्टर की बात करें, क्योंकि चाहे वो मूवी हो, सीरियल हो या फिर म्यूजिक वीडियो, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस सॉन्ग में किस तरह का यू नो रोल है आपका? तो मेरा जो कैरेक्टर है वो है एक बड़े केयरलेस बॉयफ्रेंड का, राइट? जो अपने दोस्तों में इतना ज्यादा मशगूल है, जिसको विभास जी साहब सामने मिलोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये कैरेक्टर भी ये कर सकते हैं। आई एम ऑपोजिट ऑपोजिट पर्सनालिटी इन रियल लाइफ, आई एम नॉट एट ऑल केयरलेस, and but गाने का जो डिमांड था वो ऐसा है कि वो जो लड़का है ना उसका ध्यान नहीं है, वो प्यार बहुत करता है, but he is just ignorant, वो अपने दोस्तों में इतना है, लेकिन दिल से वो लड़की को कितना प्यार करता है वो गाने के एंड पे पता चलता है यार। ओके रियल लाइफ में आप दोनों ने कभी ऐसा फेस किया हो, यू नो रिलेशनशिप में रहे हो एंड केयरलेस, एंड देन एंड में ब्रेकअप किया हो, फिर रिग्रेट हुआ हो? बताओ सना बेटर बताएंगे इस बारे में। इस बारे में मैं तो बिल्कुल नहीं बता सकती क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, तो मेरे साथ हमेशा उल्टा हुआ है। मतलब क्या उल्टा? हाँ क्या उल्टा, मतलब नखरा तो मैं ही दिखाती थी और सारी चीज मैं ही दिखाती थी, एंड में मगर ऐसा नहीं हुआ कि स्पेशल फील हुए, एंड में ऐसा हुआ कि वो अलग ही हो गया। एक्चुअल में नखरे लड़कियां दिखाती हैं, मगर इसमें क्या था कि गाने का डिमांड, मैंने दिखाना है, मुझे नखरा दिखाना है, मुझे लगता है, बोली कि चलो थोड़ा सा नखरा मुझे दे दो दिखाने के लिए, कहते नहीं मैं ही दिखाऊंगा, बोली चलो जाओ ले लो खुश रहो। मतलब आपने थोड़ा सा यू नो इनको भाव दे दिया, चलो ले लो थोड़ा सा।
पीछे आप लोग के चंडीगढ़ एंड दिल्ली लिखा है, सो आर यू गाइस इन मुंबई और नॉट इन मुंबई? सो वी वर इन चंडीगढ़, वी वर शूटिंग फॉर अ सॉन्ग इन चंडीगढ़, बिकॉज आपको पता है बॉम्बे बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया है, चंडीगढ़ है जो खुला है, बाकी सारा बंद हो चुका है, तो हम चंडीगढ़ में इधर ऑफ कोर्स यहीं से इंटरव्यू कर रहे हैं। चंडीगढ़ से हमें प्यार हो गया, प्यार अब तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा, मैं तो सोची मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊं। लो ओके, तो चंडीगढ़ में कितना एंजॉय कर रहे हो एंड वहां का यू नो माहौल कैसा है, किस तरह आप अपनी फैन फॉलोइंग भी एंजॉय कर रही हो? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, और क्योंकि मतलब पहली चीज तो ये इतना क्लीन है और इतना प्यारा है और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, तो मतलब मेरा मन ही नहीं है कि मैं वापस मुंबई जाऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बट जाना पड़ेगा, चले जाऊंगी, कोई बात नहीं। विभास आप भी वही रहना चाहते हो या आप मुंबई आना चाहते हो? मुझे बंबई के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता लाइफ में। जैसे मुंबई आप तो आज ही आए, नहीं 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 मैं आ जाऊं, बट मुझे यू नो व्हाट, मैं कहीं मर्जी घूम लूं दुनिया में, मुझे जो सुकून मुंबई में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। भीड़ भाड़ शोर है, जैसी मर्जी जिंदगी है, टफ लाइफ है, यू नो स्ट्रगल है, बट स्टिल यू नो मुंबई मुंबई। हाँ नहीं क्या है ना, मैं बताती हूँ रीजन क्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सुकून देख लिया, अब वो चाहते हैं मुझे हलचल चाहिए, तो अब इन्हें हलचल चाहिए और मुझे चाहिए बिल्कुल सुकून, उल्टा हो गया हमारे साथ। नहीं लेकिन मुझे लगता है सना भी एक दो दिन इनको अच्छा लगेगा, बट वापस बॉम्बे आके रह सकती है। हाँ वो तो है, या घर घर होता है, घर घर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए घर तो घर होता है भाई। ओके, सॉन्ग की बात करें तो यहाँ लॉकडाउन चल रहा है एंड काफी सारी सिचुएशन का ख्याल रखना पड़ता है, तो आप लोग के लिए कितनी मुश्किल हुई मास्क में फिर बिना मास्क के यू नो शूट करना एंड एवरीथिंग? जिनके साथ आप शूट कर सकते हैं, फिर पुलिस आता है, ये यू नो देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल शूटिंग दीस डेज, और जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आप देखते हैं कितना ज्यादा स्प्रेड हो गया अभी कोरोना, एंड एवरीवन शुड बी सेफ एंड हेल्दी, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हमें शूटिंग करने में। अभी हम 3-4 दिन पहले भी कुछ शूट कर रहे थे यहीं पे, एंड फिर भी जैसे तैसे एफर्ट्स करके वी कंप्लीटेड द शूट इन टाइम, एंड थोड़ा दिक्कत तो हुआ, और मास्क लगाना अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए मास्क है तो जिंदगी है, अभी वो हो गया है, तो एवरी वन शुड वियर मास्क, क्योंकि अभी अपने आप का ख्याल हम सबको खुद रखना होगा। Yes, मास्क लगाओ, बहुत जरूरी है, बहुत बिल्कुल जरूरी है, वरना चलान कट जाएगा आपका भी। सना का चलान कटा है, इसने मास्क नहीं लगाया था। मैं कार में बैठी हुई थी, मैं शूट से निकली तो मैं ब्लॉग बना रही थी, मैंने मास्क लगा कर थी, बट मैंने सोचा कि अब मैं मास्क लगा कर कितने देर से बोलूंगी, चलो एक बार मास्क हटा के वीडियो बना लेती हूँ, तो मैंने मास्क हटाया और मैं बात करना स्टार्ट की, सामने से मुझे कहते हैं कि इधर आओ, कहते हैं आपने मास्क नहीं लगाया, आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो मैं बोली कि चलो कोई नहीं, अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो मतलब फर्स्ट डे मेरा चंडीगढ़ में चालान कट चुका है, बट मैं यही कहूंगी कि मास्क लगाओ, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपकी सेफ्टी है और वो आपकी सेफ्टी के लिए रुक, मतलब आपको सीख मिल गई है कि जो भी हो जैसे भी सिचुएशन हो बस अभी मास्क लगा के चलो। बिल्कुल जी, सीख तो पहले से भी थी, बट क्या है मैं तो थोड़ी देर लिए मतलब वीडियो के लिए उतार रही थी, बट मुझे क्या पता था मेरा चालान कट जाएगा। ओके, यू नो अभी कई सारे रियलिटी शोज भी आ रहे हैं, सो मेरा आप दोनों से सवाल है कि आप दोनों रियलिटी शोज करना चाहोगे क्या? खतरों के खिलाड़ी हो गया, बिग बॉस हो गया, डांस रियलिटी शोज हो गए। मैं तो नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गाने के बहुत सारे रियलिटी शोज के लिए बुलाया जाता था, बट मुझे रियलिटी शो में जाने का इंटरेस्ट नहीं है उतना, क्योंकि मैं ऑलरेडी म्यूजिक करता हूँ फिल्मों में और बिजी था अपनी लाइफ में, बट सना क्योंकि इन्फ्लुएंसर है, एक एक्ट्रेस है, शायद इनका ये बता सकती है। मैं बिग बॉस से मुझे एक बार आया था ऑफर, बट मैं नहीं गई क्योंकि मेरा स्टार्टिंग का भी मतलब करियर का भी स्टार्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के बाद जाऊँ, मैं जाऊंगी इंशाल्लाह एक दिन, बट थोड़े टाइम के बाद, अभी पहले कुछ अच्छे बन जाओ, मतलब कुछ बड़ा कर जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। ओके सना,
अभी कई सारी वेब सीरीज भी आ रही है, तो कोई वेब सीरीज पाइपलाइन में है या कुछ आप वेब सीरीज को लेकर सोच रही है? वैसे करूंगी, वैसा ऑफर आएगा तो जरूर करूंगी, मतलब आता तो है बट खुद से ही थोड़ा सा आलस हो जाती हूँ ये कर रही थी, बट करना है। ओके वेब सीरीज में कई बार आपको बोल्ड सीन देने पड़ते हैं, तो उसके लिए आप कितनी ओपन है? नहीं वो तो नहीं हो पाएगा मेरे से, मतलब मैं फैमिली फ्रेंड्स उस टाइप का होगा, मतलब सिंपल सा होगा तो मैं जाहिर सी बातें मैं कर लूंगी, बट बोल्ड वगैरह मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे फैमिली अलाउ नहीं करते उन सारी चीज के लिए। ओके ओके आप दोनों के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो क्या है? अभी 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 मैंने शूट किया एक सॉन्ग, तो अभी वो आने वाला है बहुत जल्दी, आई थिंक 26। 26 को आएगा। अच्छा ये भी बता दीजिए थोड़ा सा, अगर आप बता सके किस तरह का होगा, क्या देखने मिलने वाला बहुत है? मतलब जैसे जैसे चार लावा है वैसे आपको मतलब वो सॉन्ग मिलेगा देखने को, बहुत क्यूट है, बहुत बहुत प्यारा प्यारा, है, और मतलब उसमें मैंने मतलब फर्स्ट टाइम मैंने डांस किया है, तो अमेजिंग। आई होप अच्छा लगेगा सबको। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बट सामने वाला का मुझे पता नहीं, बट फिर भी मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। True. हाँ तो ये सॉन्ग भी आपका विभास के साथ ही आने वाला है? नहीं, नहीं वो किसी एक और और से। हमारे फ्रेंड ही हैं, जी और वो प्रोजेक्ट हमने मिलके किया है, बट उसके सिंगर और जो आर्टिस्ट हैं वो कोई और हैं। बहुत ही कमाल गाते हैं और बहुत ही कमाल का गाना है, और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, सना ने जो उस गाने में डांस किया वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मजा आने वाला है थैंक देख के। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उस गाने के लिए। ओके ओके तो लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप दीजिए, मैं तो तो इतने मैं देर तो से यही बैठी हूँ। मैसेज देना चाहूंगा, सबसे पहले तो कि अच्छा म्यूजिक सुने, हमारे गाने को प्यार दें, जैसे सना को आपने इतना प्यार दिया टिकटॉक से लेकर इंस्टाग्राम तक, जी और वैसा ही प्यार हमें दें, हमारे गाने को दें, जाके गाना सुने यूट्यूब पे, लाइक करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, उनको भी सुनवाएं कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताएं, और हमेशा अच्छे म्यूजिक को स्प्रेड करें, और अपनी सिचुएशन जहां पर भी है सब अपना ख्याल रखें, इस सिचुएशन में अंदर रहें, घर पे रहें और मास्क लगाएं, हाँ यही जी मैं कहना चाहूंगा। और प्यार बांटे। ओके ओके थैंक यू सो मच, इट वाज थैंक लवली यू। टॉकिंग टू यू।